अब रुख करेंगे सवा का और वहां की सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे कि ईद पर शहरी और मैदानी इलाकों में बला के हफ्त ने लोगों को अपनी फुर्सत के चंद लम्हात गुजारने के लिए पुरफजा मकामात की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया है। जन्नत नजीर वादी सवात में भी लोगों का एक सैलाब उमड़ आया है। लोग अपनी ईद कैसे इंजॉय कर रहे हैं बता रहे हैं फरमान अली अपनी रिपोर्ट में। खूबसूरत नज़ारे, खुशगवार हवाई और दरियाए स्वात का ठंडा तार पानी गर्मी से मारे शहरी लोगों को वादी स्वात में खींच लाया। कलाम हो या मलम जब्बा, मदियन हो या बहरें, वादी स्वात के तमाम ही इलाके कुदरत के हसीन शाहकार है। तभी तो इस पुरपुजा माहौल में हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आते हैं। विजागढ़ पार्क भी ऐसा ही पुरपुजा इलाका है। इस पार्क में झूलों समेत काफ़ी तफरीह मौजूद है जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने पर मजबूर करती है। मैं इधर से आया हूँ और स्वाद में दिलकश और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही है और मैं बाहर मुल्क से बाहर मुसाफरों को ईद मुबारक कहता हूँ। जो सारे स्वाद पेशावर मर्दान चारसद्दा जितने लोग सारे लोग इधर आते हैं शहर के लिए और ये जगह ठंडा है। हुकूमत इस इलाके को सहूलतें फराहम करे तो मुल्क के साथ साथ गैर मुल्क सयाह भी एक बार फिर इस जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर सकती है। फरमान अली 24 न्यूज़ स्वात।